एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी हम। लेकिन यहाँ आ गए हैं बंदर डरावने से। ये बंदर अभी हम लोग चल रहे हैं रूम टूर पे। ये है कैंची रिजॉर्ट, यहाँ आप आइए। यहाँ का खाना एवरीथिंग इज टू गुड। है यहाँ का रूम, नाइस एंट्री। और व्यू देखिए यहाँ से आप, लवली व्यू। और ये है वॉशरूम, चेयर, टीवी। तो यहाँ आप बैठ के आराम से चाय के मजे ले सकते हैं। लव यू। चलो को भी अगर आ रहे हैं कैंची धाम बाबा के दर्शन के लिए तो आप बेझिझक इस रिज़ॉर्ट में आइए। खाना भी आप जैसा चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो लोग बना देते हैं और आप बहुत अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चले चले। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है और ये आ गई मेरी कार। भीड़ ज़्यादा नहीं है। मैं दिल्ली में सुबह उठती हूँ, और कैसे बोलता है। तो अब हम लोग बस नैनीताल पहुंचने वाले हैं। अगर आप लोग भी नैनीताल का प्लान कर रहे हैं तो वीकेंड्स पे मत करिएगा, मंडे ट्यूसडे कभी भी आ जाइए, बट सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम लोग आके वहाँ पे मतलब हमें एंट्री नहीं मिली, पूरा का पूरा नैनीताल फुल था, पार्किंग ही नहीं थी। तो आज हम लोग नैनीताल चल रहे हैं। तो रास्ता मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि रास्ता कैसा है नैनीताल का। बहुत ही सुंदर। देखो आपके बगल में कितने सारे बंदर हैं बेटू। वाओ बाबा रे, देखो ये शिकार कितने सारे लगात। एक लंगूर लो ना। ले लो, पसंद करो कौन सा लंगूर। देखो बेबी है इसका। वो रे बैठ। हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। ये यशिका। और अभी हम लोग जाएंगे लेक नैनीताल। फ्लेमिंगो चाहिए। ठीक है चलो फ्लेमिंगो वाले पे ही हम लोग बैठ लेंगे। और ये है नैनीताल जू और ये भी लेक के बहुत पास ही है, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ का भी प्लान कर सकते हैं। आप बताओ कहाँ कहाँ चलोगे तुम। बोटिंग भी है, जू भी है, बोटिंग। बोटिंग। चलो आपने फ्लेमिंगो वाले। यशिका को फ्लेमिंगो वाले बोट पे बैठना है। हमें काफी तेज भूख लग गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि बोटिंग के पहले हम लोग कुछ खा ले। और ढूंढते ढूंढते हमें एक बहुत ही छोटा सा जगह मिला जहाँ जाके हमें कुछ खाने को लगा कि हम लोग खा सकते हैं। बोटिंग
तो पहुंच ही गए हम लोग नैनीताल। बेकार जगह, बहुत बढ़िया जगह, खाली नदी में बोटिंग और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, नहीं लेकिन अच्छा है, बोटिंग वगैरह अगर करना है तो अच्छा है, बट खाने के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई भी होटल के रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए, कहीं आप खा नहीं सकते हैं, और एक तो यहाँ पे रोक के रखते हैं पुलिस, आगे आपको अंदर आने नहीं देगी जब तक कि यहाँ से 10 गाड़ियाँ निकल नहीं जाती है, उसके बाद ही आपकी कार को एंट्री मिलती है। और आने के बाद अगर आप कुछ अच्छा खाने का सोच रहे हैं तो नहीं है, बस आप आइए लेक में घूमिए, बोटिंग कीजिए, फोटोशूट कीजिए और निकल जाइए। जैसे अच्छा आप ओली चले जाइए, ओली इज फार बेटर। ओली वो कहाँ है सर? ओली चले जाइए, इससे ज़्यादा बेटर, यहाँ खाली बस वो बेकार का। लेकिन मैं एक बार बताऊँ, पीस ऑफ माइंड मुझे कैची धाम में ही आया। ओली जाइए, डलहौजी जाइए, ये दोनों जगह जाइए, यहाँ मत आइए, कुछ नहीं, पैसा बर्बाद। समय तो बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो अभी बाकी चीज़ें हम लोग बोटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे क्या है। लेक के आसपास जितने भी होटल दिख रहे हैं आप लोग को, वहाँ आप लोग नहीं जाके खा सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ के गेस्ट नहीं हैं, उस होटल में आपने नहीं लिया है रूम, तो वो आपको रेस्टोरेंट भी यूज़ करने नहीं देते हैं, वहाँ आपको खाना नहीं मिल सकता। तो अगर आपको नैनीताल इंजॉय करना है तो पहले होटल की बुकिंग कीजिए, रूम लीजिए, और उसके बाद ही आप नैनीताल आराम से इंजॉय कर सकते हैं। सुंदर व्यू है, देखो क्या। वाह, मम्मा हम लोग कितने अच्छे से टाइसन बल्ले पे बैठ जाते। कौन सा वाले बोट पे चलना है आपको? ये डायनासोर ड्रैगन वाले पे। हरी मछलियाँ हैं यहाँ, वाओ। कितना सुंदर व्यू है ये, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, बहुत ही सुंदर व्यू। चलो बाकी चीजें माफ, यहाँ आना एक बार तो बनता है। 4 सीटर आपको मिल जाएंगे 420 में, एंड 2 सीटर 320, है ना? कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग। मैं और मम्मा फ्लेमिंगो पिंक वाले पे जा रहे हैं, और आप जो है डायनासोर वाले पे जा रहे हैं। चलो यशिका इज रेडी विथ हर लाइफ जैकेट। रुको 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 रुको, अभी उधर मत जाना। कौन? पिंक वाले पे बैठना है आपको, ठीक है, उस पर बैठा देंगे। लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ? यहाँ बाबू जा रही है पीछे। रुको रुको यशिका, इधर आओ, दब जाएगा पैर, इधर आओ यशिका। क्या व्यू है, और ये है मेरी प्यारी सी बदमाशी, छोटी सी प्यारी सी यशिका। यशिका आपको मजे आ रहे? मजे पानी में, पानी में देखो देखो। अभी हम लोग ले रहे हैं लेक का मजा, लेकिन बहुत ही मजा आ रहा है। तो आप लोग भी अगर आ रहे हैं नैनीताल, तो बस एक यही चार है, और यहाँ आने के बाद लग रहा है कि एक बार तो सच में आना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है ये, माइंड नेचर के करीब होना क्या होता है, गिरेगी नेचर के करीब होना क्या होता है, वो यही है। और यशिका बेटा
चलो ये खजाना दिख गया यशिका को, देखिए ये है खजाना, ये मार्क होता है बेटा, यहाँ से हमें आप टर्न करना है। मछलियां ऊपर से देखे आने के बाद तो नेचर से प्यार ही हो गया, लग रहा है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, यहीं आके बसना चाहिए सभी लोगों को। ना सुंदर जगह की बस आप, मतलब आप सारी परेशानियां सारी चीजें भूल के बस आप यहाँ पे आइए और इंजॉय कीजिए। हाय बस दिल आ गया मेरा तो यहाँ। ये आ गई यशिका। अब पापा कौन है? तो पापा 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 आए आए, पापा को देखो डगमग डगमग कर रहे हैं। अब तीन खोलने तो अरे रुको बाबा, हाथ दो हाथ दो हाथ दो। ये आ गए पापा वीर, कैसा लगा जी? हाँ, अभी पिंक वाले पे माँ और बेटी बैठेगी। ओके क्या बोलते हैं? ये तो नीचे क्यों गिर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा? बाद में गिरता है ना, करके दिखाइए। ओ तेरे के अरे खाने का कुछ भी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, खाना नहीं है, हाइजीन तो बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट ऑफ मनी है, इसके साथ यूज कर ले, मतलब डर से नहीं गया है अंदर। इतने बड़े बड़े होटल्स बस ऐसे ही हैं, वो भी लेक के सामने वाले होटल्स जो कि सबसे अच्छे माने जाते हैं। इससे बढ़िया आदमी थोड़ा और ऊपर चला जाए। अच्छी धाम बहुत बेटर है, बहुत बेटर जगह है, बहुत हाँ, रूम ठीक है, खाना ठीक है, इनफैक्ट है ना बहुत बेटर था। तो नैनीताल के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली और वहाँ से और भी जगह जाएंगे, तो मेरे ब्लॉग पे आप लोग भी बने रहिए। और अगर आप लोग नैनीताल का प्लान कर रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस है कि यहाँ पे स्टे मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्टे बहुत एक्सपेंसिव भी है और वर्थ नहीं है, क्योंकि बस एक लेक ही है जो एक चार्म है। तो आप आसपास में कहीं पे भी आप स्टे ले लीजिए और वहाँ से हार्डली 1-2 hours का ही डिस्टेंस है नैनीताल का, तो आप आके वापस नैनीताल घूम सकते हैं। और अगर घूमना हो तो प्लीज़ वीकेंड्स पे मत आइएगा, वीकडेज में आप कभी भी आइए, या कैंची धाम हो या नैनीताल हो, तो आपको बिल्कुल रश कम मिलेगा और आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बाय।